आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ लकी एंड कुछ अनलकी मोमेंट्स के बारे में जो मेरे साथ होते रहते हैं बेसिकली, और लकी मोमेंट्स के बारे में भी कुछ बताऊंगा और अनलकी मोमेंट्स के बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले तुम्हें एक बोनस टिप दे देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और मैंने अभी भी डिस्कवर किया। नहीं, कभी भी तुम ऐसे भागो, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो एकदम से अगर तुम एनिमी देखता है तो वो यही सोचेगा कि तुम लेफ्ट से पिक करने वाले हो। अगर तुम उसी टाइम क्राउच एंड राइट पिक करके उस एनिमी को मारते हो तो एक बहुत ही अच्छा डैमेज दे सकते हो और उसे मे बी नॉक भी कर सकते हो। तो कभी भी ट्राई करना, लेफ्ट साइड पे जा रहे हो किसी पेड़ के थ्रू या कोई कवर के थ्रू अगर तुम जा रहे हो तो एनिमी को यही लगेगा कि हाँ अब ये लेफ्ट से निकलेगा, मतलब उसके राइट से निकलने वाला है, तो वो ऑब्वियसली राइट में फायर करेगा। एकदम से क्राउच करके तुम राइट से फायर करते हो यानी उसके लेफ्ट से फायर करते हो तो बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। और ये राइट लेफ्ट शायद कन्फ्यूजिंग लगे बट एक बार अच्छे से देखो और समझो। अब तुम्हें दिखाता हूँ एक बहुत ही अच्छा लकी मोमेंट, ऐसे लकी और अनलकी मोमेंट्स मैं इस वीडियो में दिखाता रहूँगा और उसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता रहूँगा, जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। भाई इस बंदे को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फायर कर रहा था और एकदम से मैंने हक दिया बट इससे लास्ट गोली उसके हेड पे पड़ी और वो नॉक हो गया, विच इज़ वेरी लकी मोमेंट फॉर मी। लेट्स सी अगेन। चलो एक अनलकी मूवमेंट दिखाता हूँ और एक टिप भी बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे शील्ड है, ठीक है, मिरर वर्ल्ड खेल रहे हो और शील्ड है, तो प्लीज कुछ भी हो जाए, कोई भी साउंड आ जाए, पहले शील्ड बनाओ उसके बाद रिएक्ट करो, ठीक है, पहले शील्ड उसके बाद रिएक्ट करना, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे मेरे सामने गाड़ी आई, मैंने शील्ड नहीं बनाया, इस बात का मुझे अभी तक दुख है और अभी भी मैं मार रहा हूँ। मैं चाहता तो फायर छोड़ के शील्ड बना सकता था बट स्टिल आई रिग्रेट इट और विच इज़ वेरी अनलकी मूवमेंट फॉर मी। और मैं जैसे नीचे उतरा भाई मेरे को गाड़ी मिली, गाड़ी में पहले तो मैं बैठा नहीं, पता नहीं मेरा स्टक हो गया मूवमेंट देखो नीचे मुँह कर रहा है। उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठा भाई एकदम से मुझे साउंड आया, मैं गाड़ी तब भी भगा सकता था बट मेरी आदत ही नहीं जा रही है यार गाड़ी भगाने की, जो कि मैंने तुम्हें पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। अब यहाँ पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा लकी था और थोड़े बहुत मेरे रिफ्लेक्सेस भी काम आ गए। मुझे लगा यार एक या दो ही बंदे होंगे और वो ही फाइट चल रही थी तो मैं घुस गया। यहाँ पे मैंने दो बंदे देखे, एक तो मेरी तरफ ही एम करके बैठा था, उसको मैं नॉक दिया, सामने से फायर आया, उसको ही फायर किया और एकदम से मुझे पीछे ही बंदा दिख गया और मेरी स्कारल में कम एमो थी फिर भी मैंने एकदम से रिफ्लेक्स दिखा के प्रोन किया और उसको मार दिया। बट एक बार स्लो मोशन देखो कि मैं कितना लकी था यहाँ पे। जैसे मैंने इन दोनों को मारा, मारने के बाद भाई राइट से फायर आता है, मैं राइट में फायर देखने लग जाता हूँ और उस पर बिना मतलब मैं फायर करता हूँ, मुझे पता भी नहीं था, तो ये मेरा रिएक्शन बोल सकते हो आप। और एकदम से लेफ्ट से ही मुझे साउंड आ जाता है कि एक और बंदा है, मैंने तुरंत स्कारल रिप्लेस करी ही थी, इतने देर में मैंने प्रोन करके उसको दे दिया भाई, मतलब यहाँ पे मैं बहुत ही क्लोजली बचाऊँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा देखने वाली हैं और समझने वाली है। मैं हर बार भाई मेरी नीचे वाली गन में 15 एम है, ऊपर वाली गन में 13 है बट स्टिल मैं जब भी फायर करता हूँ ना गन चेंज करने की आदत है क्योंकि मैंने वो ड्रिल की प्रैक्टिस की हुई है। और मैंने तुम्हें बताया अगर तुम हक दो या फिर तुम्हें एकदम से रिएक्शन टाइम दिखाना है तो प्लीज़ प्रोन करो और प्रोन करते ही खड़े हो जाओ। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैंने तुम्हें बताई है सबकी सब मैं एक साथ यूज़ करता हूँ, ठीक है, और ऐसी बात भी नहीं है कि तुमने देखा नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी दिखा रहा हूँ और प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग फिर बोलेंगे कि अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स खुद यूज़ नहीं करते हो। मैं हर बार मेरी हर चीज़ बताई हुई है जो यूज़ करता हूँ। और जैसे कि तुमने देखा रिफ्लेक्स दिखाते टाइम क्राउच कर सकते हो, प्रोन कर सकते हो और अगर प्रोन करते हो तो एकदम से वापस स्टैंड भी करना है, ये भी ध्यान रखना, हमेशा गन रिप्लेस करते रहो जिससे तुम्हारी आदत भी अच्छी बनी रहेगी और काम भी बहुत आएगी जैसे अभी मेरे काम आएगी। अब दिखाता हूँ तुम्हें एक मिक्स मूवमेंट विच इज़ वेरी अनलकी और ऑल्सो लकी एट द सेम टाइम। यहाँ पे क्या होता है, मेरी गाड़ी पलट जाती है, ठीक है, मैं अभी जस्ट लैंड किया था ऊपर से, तुम देख सकते हो मेरा एक किला मेरे पास कार्यालय, इसका मतलब मैंने अभी मिरर वर्ल्ड से लैंड किया ही और मैं उतर रहा था मिलिट्री से थोड़ा सा साइड में। अब मुझे लगा कि मिलिट्री में कोई भी नहीं होगा क्योंकि इसके आसपास उतारा है तो ऐसी जगह पे उतारता है जहाँ पे कोई होता नहीं है। गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुकती नहीं तो मैं पैदल नहीं आता, पैदल नहीं आता तो यहाँ पे ये नहीं होता जो मेरे साथ अब हुआ है। पहले मेरी हेल्थ कम है, मेरे पास एक भी हेल्थ नहीं है, एक बंदे ने मेरे पे पुश कर दिया, मैंने इसको साथ के साथ नॉक फिनिश करने का ट्राई किया और एक्चुअली कर भी दिया नॉक फिनिश। मैं बहुत डर रहा था, इसको फिनिश नहीं कर रहा था बट मैंने कर दिया। मेरे पास कारल में एमो नहीं बची और एकदम से मुझे फायर आता है कहीं और से और लिटरली अंदर भी एक बंदा था तो मैं अंदर घुस जाता हूँ और अंदर वाला बंदा पता नहीं क्यों खड़ा था, क्या कर रहा था बट मुझे ज़्यादा प्रो लगा नहीं बट इसको मैंने नॉक कर दिया। बट स्टिल इसने मुझे 0 HP ऑलमोस्ट कर दिया मानो। अब भाई मैं इसको भी फिनिश करता हूँ, ठीक है, इसको फिनिश करने के बाद मैं इसे लूट नहीं पाता, उससे पहले दूसरा बंदा आ जाता है, इसको भी नॉक करता हूँ मेरी कितनी कम बुलेट्स में, ठीक है, और पिस्टल से मार देता हूँ। अब पिस्टल में भी 2 MO रीलोड करता मैं बट वो मेरे पीछे ही पड़ गया और मैं इस गेट से अंदर नहीं जा सकता था, देखो इतने में वो आ गया और इसने मुझे मार दिया। भाई अभी से तुम लकी बोलोगे या अनलकी बोलोगे क्योंकि इसके 3 बंदे तो मैं खा गया था, 2 खाए थे आई थिंक 3 खाए थे जो भी है। लास्ट बंदा बचा था, अगर मेरे पास कारल में एमो होती चाहे कितनी भी HP थी मैं इसको पक्का पेल दिस कर देता भाई।
अब देखो जहाँ पे एक किल की भी उम्मीद ना हो और वहाँ पे दो दो किल तुम्हें मिल जाए, उसे बोलते हैं एक लकी मोमेंट, विच इज तुम्हें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। यहाँ पे भाई हम लोग उतरे, सामने भाई बंदे फायर कर रहे थे और वो भी लेट के फायर कर रहे थे हम पे, हम भी उन पे लेट के फायर कर रहे थे। टर्बो भाई ने एक नॉक दे दिया, ठीक है। अब क्या था, हमें पुश करना था। अब भाई मैं गाड़ी चलाता, वैसे तो मैं हर बार गाड़ी चलाता हूँ, पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि गैंगस्टर भाई ड्राइविंग सीट पे अपने आप बैठ गया और वो गाड़ी चलाने लगा। और मैं यहाँ पे भाई M4 का रिलोड कर करके स्प्रे दे रहा हूँ उस बंदे पे, एंड फाइनली मेरा स्प्रे कनेक्ट हो ही जाता है। मुझे एक किल तो फ्री का यहाँ पे मिल ही गया। और दूसरा बंदा भाई ओपन में खड़ा होकर फायर कर रहा था, मैंने फिर से गन रिलोड करी और उसको भी पेल दिया। मतलब इसको बोलते एक प्रॉपर लकी मोमेंट। और गैंगस्टर बेचारा जिन बंदों को मारने आया था उनको भी नहीं मार पाया। देखो सुनो क्या कह रहा था। अबे ये क्या सीन था भाई, मैं आया क्यों फिर यहाँ? अच्छा हुआ। कई बार क्या होता है कि आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि आपका टीममेट नॉक है या नहीं, और ना ही उसने बताया होता है, ठीक है। तो मैंने आप एक बंदे को नॉक किया, मुझे लग रहा था कि यार मेरा टीममेट अभी है मेरे साथ में, और मेरा सच में बिल्कुल ध्यान नहीं था भाई। देखो कितने जोरों शोरों से मैं मॉली कर रहा हूँ, एड कर रहा हूँ, बंदा नॉक दे रहा हूँ, मेरा फुल मूड था भाई क्लच करने का। मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई यहाँ पे फुल डैमेज वैमेज है बंदे और रिवाइव वगैरह दे रहे हैं, तू कवर देना। मतलब मैंने उन्हें बोला मैं आगे जा रहा हूँ, मैंने इतना बोला, ठीक है, कवर वर के लिए नहीं बोला। उसने बोला ठीक है जा आगे। तो मुझे लगा लिटरली वो है अभी मेरे साथ, ठीक है। और लिटरली मैंने चोक भी कर दिया, कैसे ही मान लो तुम यहाँ पे, बट मैंने चोक कर दिया और मैं फिनिश हो गया। और एकदम से मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ यार दोनों कैसे मर गए, दोनों कैसे मरे? तो वो बोलता है कि यार मैं तो पहले से नॉक पड़ा था। लिटरली मेरी सांसें रुक गई थी एक बार, तो मेरा मन किया कि यार मैं उसको रिवाइव दे देता तो हम पक्का बच जाते यहाँ पे, बट स्टिल मैंने यहाँ पे नीट वेट करके पुश कर दिया और उसके बाद मैं जाके मर गया। बट आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। ओ भाई मैं तो नॉक हूं। मैं तभी तो तेरे को बोल रहा था कि नेट कर। अब यहाँ पे बताता हूँ कुछ टिप्स, ठीक है, और वेरी अनलकी मोमेंट। और वो थोड़ा सा मैं लकी कैसे बनाता हूँ अपने लिए। देखो भाई पहले तो लैंडिंग करवाई बिल्कुल ओपन में जहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब पहाड़ी पे लैंडिंग करा दी सीधा, और मतलब गन वन भी नहीं थी, शॉर्ट गन थी। एकदम से लेफ्ट में मुझे बंदा दिखा और राइट में मुझे गन दिखी, तो मैंने फटाफट से गन ली और लेफ्ट वाले बंदे को मारने चला गया। और मैंने क्लोज रेंज कैसा आ गया देखो, यहाँ पे मैं क्राउच कर दिया और क्राउच करके उठ भी नहीं पाया मैं, ठीक है, क्योंकि वो बंदा भाई राइट में ही जाए जाए और मैं अगर क्राउच वाले बटन पर टैप करूँ तो मैं एम नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं उठ नहीं पाया। बट स्टिल वो बंदा एक भी डैमेज नहीं दिया, बिकॉज वो मुझसे भी बड़ा नूब था। मैं तो नूब हुई, वो मुझसे ही बड़ा नूब था। उसने एक भी डैमेज नहीं दिया, मैं यहाँ पे बच गया। और मेरे तीनों टीममेट नीचे चले गए मर के इतनी देर में, ठीक है, क्योंकि गलत जगह उतरे थे और गलत साइड में चले गए थे। और मैं फॉर्चुनेटली आई वॉज लकी देयर कि मैं यहाँ पे चला गया लेफ्ट साइड पे और मैं बच गया और एक बंदे का मतलब किल भी मुझे मिल गया। बट गेम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, तुम्हारा भाई यहाँ पे करने वाला है क्लच, तो सीधा क्लच की तरफ लेके चलता हूँ तुम्हें। अब देखो अच्छा खासा मैं लूट रहा था, मुझे सामने बंदा दिखा, मैंने जाके उसके पीछे से उसकी पुंगी बजा दी और बड़े आराम से उसको नॉक कर दिया और साथ के साथ फिनिश भी डाल दिया, बिकॉज यार वो तो हमारा पहला काम है ना, फिनिश नहीं करोगे तो कैसे सर्वाइव ही नहीं हो पाएगा, वो रिवाइव हो जाएगा तो फिर से वो चारों मेरे सिर पर चढ़ जाएंगे। तो मैंने उसको साथ के साथ फिनिश डाल दिया। अब भाई उसके बंदे मुझे देख रहे थे और लिटरली वो लूट रहा था अपने टीममेट को खड़ा होकर मेरे सामने, मैंने उसको भी नॉक कर दिया बट अनफॉर्चुनेटली उसे फिनिश नहीं कर पाया। अब यहाँ पे मुसीबत मेरे लिए आने वाली है, क्योंकि अब ये चारों के चारों बंदे मुझ पे करने वाले हैं पुश, और मुसीबत मुझ पे नहीं एक्चुअली इन पे आने वाली है। लेफ्ट से आएंगे, राइट से आएंगे, और तुम्हें एक टिप भी देता हूँ कि कैसे मारना है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। अगर इस कंडीशन में बंदे तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हें क्या करना है, जो बंदा जैसे लेफ्ट से भी आ रहा है राइट से भी आ रहा है, तो जो बंदा तुम्हारे ज़्यादा पास है ना पहले उसको मारो, क्योंकि अगर मान लो जो दूर है तुम उसको मार रहे हो ऐसी कंडीशन में तो क्या होगा, लेफ्ट वाला तुम्हें एकदम से जो भी पास है वो एकदम से आ जाएगा। राइट वाला मेरे पास में था, मैंने उसे मारा, एकदम से लेफ्ट वाला भी आया, थोड़ा सा दूर था बट मुझे टाइम मिल गया तो मैंने दोनों को दे दिया। और ये भी आया भाई साहब, इसको तो मैंने जंप करके दे दिया और इसने मुझे काफ़ी ऐसा डैमेज दे दिया था बिकॉज मैंने बीच में चोक कर दिया था। अब इनका लास्ट बंदा था, ये तो बेचारा बहुत ही गलत नॉक हुआ मेरे से, ठीक है। अब मेरी किस्मत देखो इतनी चोमू है भाई, यहाँ पे चार बंदे नॉक करके दो फिनिश डाले और किसी और ने आके मुझे नॉक कर दिया यहाँ पे, विच इज़ वेरी हर्टफुल, बहुत बुरा लगा यार मुझे यहाँ पे। बट किस्मत, दो किल तो मैंने लिए कम से कम, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और या अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग आउट। कहाँ उतार रहे हो?